हेलो दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल टारगेट ओल जीके एजुकेशन में। दोस्तों, मैं आपका मित्र स्वाशीष कर्मा का स्वागत करता हूँ आपका इस महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे 20 सितंबर के IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज और परी मैच न्यूज के 24x7 क्विज। तो दोनों के क्वेश्चन का आंसर देंगे दोस्तों, और ये दोस्तों हिंदी में है। इससे पहले इंग्लिश में अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लोग यदि इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो देख सकते हो दोस्तों। देखिए साथियों, चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिन जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि KBC की सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए दोस्तों, पहले परी मैच न्यूज 24x7 को जो खेल लेते हैं, फिर इनके बाद IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज को खेलेंगे। तो देखिए, आपको जाना है परी मैच न्यूज 24x7 क्विज पर। तो देख सकते हैं, आज के पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रीक वर्णमाला में अल्फा बीटा और गामा के बाद चौथे अक्षर पर क्या कहते हैं। तो देखिए, ग्रीक वर्णमाला में अल्फा बीटा और गामा के बाद डेल्टा कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। तो सभी लोग पहले का ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। तो परी मैच का न्यूज का दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सी फोन कंपनी एकॉल मूल कंपनी से संबंधित नहीं है। तो देखिए साथियों, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, Huawei। तो देखिए, Huawei फोन कंपनी एकॉल मूल की कंपनी से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों है, ओप्पो, वीवो और वन प्लस। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर सभी लोग डी के साथ जाएंगे, दूसरे का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 24x7 परी मैच का पूछा गया है, इनमें से कौन से खिलाड़ी बस 2022 में न्यूजीलैंड के ज्वेलिक शहर में आयोजित डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाली पहली भारतीय बने। तो देखिए, इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा खिलाड़ी वर्ष जो कि 2022 में जीते हुए हैं दोस्तों। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर सभी लोग बी को लॉक कर देना है, सब तीसरे का बी सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रासायनिक विज्ञान में आवर्तन सारणी जो कि पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है दोस्तों, में कितने ब्लॉक होते हैं। तो इनका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। तो देखिए, चौथे का ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, 4 के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, परी मैच 24x7 क्विज में इनमें से किस क्रिकेटर को उनकी बल्लेबाजी शैली के लिए मिस्टर 360 के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, जो कि दोस्तों साउथ अफ्रीका के एक खिलाड़ी है जिसका नाम है एबी डी विलियर्स, उन्हीं बैट्समैन को मिस्टर 360 भी कहा जाता है। तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा 5वें का ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, 5वें का डी सही जवाब है, एबी डी विलियर्स जो कि साउथ अफ्रीका से खेलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये थे परी मैच 24x7 क्विज का आंसर। तो चलिए अब खेल लेते हैं दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज के साथ। चलिए दोस्तों, IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज का आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से किस शहर को टाटा नगर नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, इनमें से टाटा नगर नाम से जाना जाता है जमशेदपुर को। तो देखिए, जमशेदपुर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। तो पहले का ऑप्शन नंबर सभी लोग ए के साथ जाएंगे, जमशेदपुर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया, हाफ बेस हाइड इनमें से किस 2Y भीमेश आकृति के क्षेत्रफल के गणना करने का सूत्र है। तो देखिए, इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुज त्रिकोण सही जवाब है दोस्तों। दूसरे का ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, त्रिभुज के साथ। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया, क्लासिक फिल्म शिंडलर्स लिस्ट का निर्देशक इनमें से किस महान निर्देशक के किया गया था। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, स्टीवन
सिप्लोमोर्ग। तो देखिए स्टीबिन सिप्लोमोर्ग सही जवाब है दोस्तों। तीसरे का ऑप्शन नंबर डी के साथ सभी लोग जाएंगे, तीसरे का डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया IDFC फर्स्ट बैंक का चौथे नंबर क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से किस वैज्ञानिक ने गति के 3 नियम दिए। तो देखिए गति के 3 नियम दिए हैं दोस्तों, इनका सही जवाब हो जाएगा आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने प्रथम गतिविधि और द्वितीय गति और तृतीय गति नियम दिया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 को सभी लोग लॉक कर देना है। तो चौथे का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन को सभी लोग लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है फिरोजा कोटला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर इनमें से किस दिवंगत राजनेता का नाम पर रखा गया है। तो देखिए फिरोजा कोटला जो कि दिल्ली स्टेडियम है दोस्तों, तो एक क्रिकेट स्टेडियम है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, तो उनका नाम बदलकर अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है। तो इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री अरुण जेटली। श्री अरुण जेटली के नाम से रखा गया है फिरोजा कोटला जो कि दिल्ली में है दोस्तों और एक क्रिकेट स्टेडियम है। तो पांचवे का ऑप्शन नंबर डी को सभी लोग लॉक कर देने, अरुण जेटली। तो दोस्तों आप लोग IDFC फर्स्ट बैंक और डेली क्विज जो कि परी मैच न्यूज 24x7 दोनों क्विज को खेल लीजिए, मैंने खेल लिया है तो आप लोग खेल लीजिएगा दोस्तों। यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों का टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।